अनीता। कहाँ रहती हो? कांदरपुर। क्या हुआ था? कहाँ वो दुकान की उसमें पल्स के मामले में खाली नहीं कर रहे थे दुकान, इसकी वजह से हमने खाली करवाई तो वो ले गए पुलिस वाले पकड़ के हमें, और उनके लिए ले गए थे और हमें अकेले समझ के, और उन्होंने बहुत मारा और पीटा, बहुत मारा। किसने मारा? उनके परिवार वालों ने। किसके? गंगाराम के परिवार वालों। वो गांव के किरायेदार। कौन है? किरायेदार। कहाँ से मारा? वो डंडों से मारा और गुम्मों से मारा। घूसा पुलिस में गए थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। मदन लाल, क्या हुआ था? हमने दुकान खाली करने के लिए कहा था, कई दिनों से, कई महीनों से हमारा किराया भी नहीं दे रही थी, तो झगड़ा हुआ था जाकर, तो उनके परिवार वाले सब आ गए थे, उन्हीं ने अपना सामान अपने आप निकाल के फेंक दिया। मेरे पास में उसकी वीडियो भी बनी हुई है, वो सामान निकाल के फेंक रहे हैं। अच्छा, मैं थाने में कैंट में जब तही देने गया था, मुझे वहाँ उन लोगों ने बैठा दिया और मेरा ही उल्टा चालान कर दिया 151 में। उस दूसरी पार्टी का कुछ नहीं हुआ, दूसरी पार्टी ये धमकाती हुई कहेगी तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मेरी तरफ सांसद जी हैं जाकर, तो सांसद जी के क्षेत्र में एक गरीब आदमी को दबाया जा रहा है, उसकी आवाज़ दबाई जा रही है, बोलती आवाज़ जा रही है। किसको मारा? मारपीट किसके साथ करी है? मारपीट मेरे साथ की थी, मेरी पत्नी के साथ की थी, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं जो 70-75 साल, उनके साथ मारपीट की गई थी। वो किरायेदार ने गंगाराम थे और प्रेमपाल थे जाकर, उनके दोनों उनके बच्चे थे रामपाल थे जाकर, और वो मंजू देवी जिनकी मेरे पास में फोटो हुए, चाकू ली हुई मेरी पत्नी को मार रही हैं। मुझे मैं तहरीर देने गया था, मुझे पुलिस वालों ने वहाँ बैठा लिया था मुझे, और उसके बाद में इन लोगों ने घुस के मेरी पत्नी को चाकू से मारने की बोकी थी, उसकी दूसरे ने फोटो खींची, वो मुझे भेजी है जाकर।